स्टॉप ऑनग्रिड डिजाइंस। आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं आपके डिजाइन प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट, जिसमें हम बात करेंगे दो ऑप्शंस के बारे में, जहां पे हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि डिजाइन कैसे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो प्लान है इसमें आता है वेस्ट आपके नीचे की तरफ, ईस्ट आता है ऊपर की तरफ, नॉर्थ आता है लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ, एंड साउथ आता है राइट साइड यानी कि दाएं तरफ। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं दो एंट्रेंसेस दिए हैं, एक है छोटा एंट्रेंस और एक है बड़ा एंट्रेंस। तो ये छोटा एंट्रेंस इसलिए है ताकि आप चल के भी अंदर आ सकते हैं, एंड ये बड़ा एंट्रेंस इसलिए है ताकि आपकी गाड़ियाँ आराम से अंदर आके पार्क हो सकती है, एज वेल एज आपके टू व्हीलर्स भी अंदर आके पार्क हो सकती है। तो शुरू करते हैं छोटे एंट्रेंस से। जब आप यहाँ से चल के लेफ्ट साइड मुड़ेंगे यानी कि बाएं तरफ, यहाँ पे आएंगे सीढ़ियाँ। तो ये जो सीढ़ियाँ इसलिए है क्योंकि आपका ये जो एंट्रेंस है आपके ग्राउंड लेवल से 4 फीट ऊपर है, तो इसलिए सीढ़ियाँ दी गई हैं। जैसे आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के आगे बढ़ते हैं बाएं तरफ, यहाँ पे आता है आपका आउटडोर सीटिंग। ये आपका आउटडोर सीटिंग मेजर करता है 17 feet 5 inches by 6 feet। यहाँ पे दो चेयर्स है एंड एक छोटा सा सेंट्रल टेबल है, एंड पीछे यहाँ पे झाड़ दिए गए हैं, यानी कि आप जब भी फ्री टाइम में या सुबह या शाम के टाइम में अपना एंजॉय करना चाहते हैं बाहर का एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं। ये पहला ऐसा पार्ट है आपके घर में। सो आउटडोर सीटिंग से जब आप अंदर जाएंगे यानी कि आगे की तरफ, पहला आता है आपका एंट्रेंस लॉबी। इस एंट्रेंस लॉबी को हम लोग अगर मेजर करेंगे तो वो आता है 7 feet 10 inches by 4 feet 8 inches। इस एंट्रेंस लॉबी में यहाँ पे एक फर्नीचर यूनिट है जो आप एज अ शू रैक भी यूज कर सकते हैं या एज अ सीटिंग भी यूज कर सकते हैं या दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो इस एंट्रेंस लॉबी से जब हम आगे बढ़ेंगे यानी कि अंदर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आता है एक सेंट्रल पैसेज, सेंट्रल स्पेस। अगर आप देखेंगे तो आपके जो सारे कमरे हैं वो इस सेंट्रल पैसेज को जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आप जो फर्नीचर यूनिट देख रहे हैं वो आप एज अ पूजा रूम में यूज कर सकते हैं, एज अ फीचर एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से जब आप पढ़ेंगे राइट साइड फ्लोर में, वहाँ पे आएगा पहला आपका लिविंग हॉल। ये लिविंग हॉल जो है वो मेजर करता है 14 feet by 17 feet। इस लिविंग हॉल में आपके जो सीटिंग है वो है 3 + 2 + 1 + 1, यानी कि 7 लोग एक साथ बैठ के आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 side tables हैं जो सोफा के बाजू में है, एक छोटा साइड टेबल ये 1 seater के बाजू में है, एंड एक सेंट्रल टेबल भी है। तो ये था आपका लिविंग हॉल। यहाँ पे दिया गया है एक कॉर्नर विंडो एंड यहाँ पे एक विंडो जहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं एंड नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं। इस लिविंग हॉल से जब हम बाहर आएंगे लेफ्ट साइड की ओर एंड जाएंगे यहाँ पे आगे की ओर, यहाँ पे आता है डाइनिंग एरिया आपका। सो आपका ये जो डाइनिंग एरिया है यहाँ पे एक साथ 6 लोग बैठ सकते हैं। ये मेजर करता है 11 feet by 12 feet 7 inches। अब इस डाइनिंग एरिया की खूबी ये है कि ये किचन के जस्ट बाजू में लोकेट किया गया है। तो यहाँ से आप जाएंगे राइट साइड की ओर तो आएगा आपका किचन, जो कि मेजर करता है 9 feet by 12 feet 7 inches। जब आप यहाँ पे खाना पकाएंगे, वहाँ पे पकाते ही यहाँ पे जाके आप अपना पूरा सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। तो ये है उसकी किचन। किचन का बेस्ट पार्ट ये है कि उसको अटैच्ड ही एक यूटिलिटी एरिया है जो कि वॉश एरिया हम बोलते हैं, जो मेजर करता है 11 feet by 6 feet। यहाँ पे आप रख सकते हैं अपना वॉशर एंड ड्रायर, एंड नीचे एक स्टोरेज फर्नीचर भी है तो वो भी रख सकते हैं। अभी ये यहाँ पे जब हम राइट साइड की ओर चलेंगे, ये जो आप जगह देख रहे हैं वो इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि अगर आपकी हाउस हेल्प हो नीचे बैठ के भी कपड़े या बर्तन धोने हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये उसके लिए दिया गया है। एंड जब यहाँ पे बाहर आते हैं यहाँ पे वापस सीढ़ियाँ हैं, बिकॉज ये जो आता है आपके एंट्रेंस के लेवल पे जैसे यहाँ पे बताया गया था तो वो 4 feet ग्राउंड लेवल के ऊपर है, तो उनको यहाँ से नीचे भी उतर सकते हैं, या अगर वो गेट से आते हैं तो गेट से डायरेक्ट राइट मोड़ के सीधा यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आता है उनका वॉश एरिया
बिना अंदर के प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने किचन की ओर। जब किचन से हम लोग बाहर आते हैं एंड जाते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, यानी कि बाएं तरफ, यहाँ पे आता है आपका स्टोर रूम यानी कि ड्राई स्टोर, जो मेजर करता है 6 feet by 6 feet 6 inches। तो घर का सारा स्टोरेज, जो भी एक्स्ट्रा सामान जो आपको कभी कभी लगता है आप स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से जब बाहर आते हैं एंड चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मुड़ते हैं, तो यहाँ पे पहला चीज जो आता है वो है आपका स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ। अब आप इन सीढ़ियों को देखेंगे तो वो शुरू होती है यहाँ से। अब चालू यहाँ से करेंगे, ऐसे मुड़ते हुए आप अब जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि पहले मंजिल पे। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो पूरा क्लॉक वाइज है ये स्टेयरकेस का, एंड ये जो सफेद पार्ट आप देख रहे हैं सिर्फ वो ऑक्यूपाई करेगा उतनी जगह ग्राउंड फ्लोर पे, ये जो डॉटेड है वो जाएगा ऊपर की तरफ यानी कि आपको पहुंचा देगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये जो डॉटेड एरिया के नीचे है वो पूरा खाली है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं उसको। सो यहाँ से जब हम अंदर बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ, ये है पहला बेडरूम घर का, तो यहाँ पे एक छोटा लॉबी दिया गया है। आप ये जो यूनिट देख रहे हैं वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं एज अ शो एलिमेंट या फिर स्टोरेज के लिए, तो आपके ऊपर है। तो यहाँ से जब आप अंदर आते हैं ये आता है आपका बेडरूम और ये मेजर करता है 12 feet by 13 feet। तो ये जो लॉबी है वो काफी हद तक एंड वेरी गुड अमाउंट से बेडरूम का प्राइवेसी मेंटेन करता है आपके कॉमन एरिया से। तो ये जो बेडरूम है, ये जो बेड है वो किंग साइज बेड है, जहाँ पे साइड टेबल है आजू बाजू में एंड सामने एक बेंच है जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं ये विंडो के बाहर देखते हुए, जो आपका कनेक्शन है आपके नेचर की तरफ, प्लस नेचुरल सनलाइट एंड एयर दोनों आएगा अंदर यानी कि हवा और सूरज की किरणें अंदर आएगी। तो ये था आपका बेडरूम नंबर 1। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये आता है आपका वॉकिंग क्लोजेट। ये वॉकिंग क्लोजेट मेजर करता है 13 feet by 6 feet, यानी कि यहाँ पे आएंगे आपकी वार्डरोब जिसका डेप्थ है 2 feet, जहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं एंड बाकी सारी चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं आपका ड्रेसिंग टेबल, इसमें एक टेबल एंड चेयर है जहाँ पे आप तैयार हो सकते हैं एंड एक छोटा सा विंडो ताकि उस रूम का वेंटिलेशन और लाइट आप मेंटेन रख सके। वॉकिंग क्लोजेट से जब हम राइट साइड की तरफ चलेंगे यानी कि दाएं तरफ, यहाँ पे आता है आपका अटैच टॉयलेट। ये टॉयलेट का मेजरमेंट है 6 feet 6 inches by 7 feet 9 inches। इसके पीछे जो है वो है इसका डक्ट एरिया। तो ये था इस बेडरूम के बारे में। तो इस बेडरूम से जब हम वापस बाहर आते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं वापस कॉमन एरिया पे। तो ये थी अंदर की डिजाइनिंग। तो बात करते हैं बाहर के बारे में। अगर वापस हम लौटते हैं अपने छोटे से एंट्रेंस की तरफ जहाँ पे आप चल के अंदर आ सकते हैं, यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड मोड़ेंगे तो यहाँ पे आता है कार पार्किंग एंड चल के जाएंगे तो ये सी कनेक्शन भी बन सकता है आपके आउटडोर सीटिंग जो कि पीछे की तरफ है। एंड ये जो पीछे की तरफ है ये आपको डाइनिंग एरिया के को लग के है, जहाँ से आप अंदर से भी आ सकते हैं या हम उसको बाहर से भी एक्सेस दे सकते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसके पीछे ही आपका बिल्डिंग आता है, एक और बिल्डिंग जो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा था। तो ताकि वो डिस्टर्ब ना करे हमने इसको पूरा वॉल बना दिया है। इस वॉल का हाइट होगा जितना कि स्लैब हाइट, जितना कि अंदर का है, तो उतने ही लेवल तक ये वॉल भी जाएगा ताकि आपके प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन। चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये है आपका फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में बात किया था सीढ़ियों के बारे में, आप यहाँ से चालू करेंगे चलना एंड यहाँ से आके इस तरफ आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं पहला आता है आपका फैमिली रूम। ये फैमिली रूम आपका मेजर करता है 13 feet 6 inches by 12 feet 8 inches एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे है 2+1+1 सीटिंग, यानी कि एक टाइम पे यहाँ पे 4 लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे
एक सेंट्रल टेबल आता है बड़ा सा, दो साइड टेबल ये सोफा के आजू बाजू, एंड एक छोटा सा सेंट्रल टेबल यहाँ पे। तो ये था आपका फैमिली रूम। अभी इस फैमिली रूम से आगे की ओर बढ़ते हुए अगर हम राइट साइड मुड़े यानी कि दाएं तरफ, यहाँ पे आता है आपका बेडरूम नंबर 2। तो ये बेडरूम मेजर करता है 13 feet 7 inches by 13 feet 5 inches। अब ये बेडरूम की ब्यूटी ये है कि इसमें एक बालकनी अटैच्ड है जहाँ पे आप बाहर का एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं, एज वेल एज एक अटैच टॉयलेट भी है। तो ये बेडरूम नंबर 2 जो है इसमें ये बेड है किंग साइज के शेप का, किंग साइज का। यहाँ पे आजू बाजू साइड टेबल्स आते हैं एंड सामने एक बेंच आता है जहाँ पे आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये जो है ये पूरा जगह, ये पूरी स्पेस आपके वार्डरोब के लिए दी गई है जो कि 2 feet वाइड है। एंड यहाँ से जब आप बाहर आएंगे राइट साइड की ओर पे, यहाँ पे आएगा आपका बालकनी जो मेजर करता है 4 feet by 13 feet, जहाँ पे आप अपना सारा आउटसाइड का एनवायरनमेंट जो बाहर की चीजें हैं आप खुली हवा एंजॉय कर सकते हैं। इस बालकनी से जब हम अंदर की तरफ चल के आएंगे यहाँ पे बेडरूम पे एंड यहाँ लेफ्ट साइड पे चलेंगे, यहाँ पे आता है आपका अटैच टॉयलेट ये बेडरूम के लिए, वो मेजर करता है 6 feet 9 inches by 7 feet 9 inches। तो इस टॉयलेट से जब हम बाहर आएंगे ये बेडरूम से होते हुए हम आते हैं वापस फैमिली एरिया में। ये फैमिली रूम से सीधा चलते हुए वापस से राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे आता है आपका बेडरूम नंबर 3। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं आप देख सकेंगे कि दरवाजे के पीछे एक छोटा सा स्टोरेज दिया गया है जो काफी चीजें स्टोर कर सकता है। यहाँ से चल के आप आगे आएंगे, ये आता है आपका बेडरूम जो मेजर करता है 15 feet 7 inches by 11 feet। ये भी एक किंग साइज बेड है जहाँ पे दो साइड टेबल्स है आजू बाजू में एंड छोटा सा बेंच है। एंड ये है आपका वार्डरोब जो पूरा वॉल टू वॉल पे लगाया हुआ है एंड 2 feet का उसका डेप्थ है। इस बेडरूम से आप आगे बढ़कर नीचे की तरफ आएंगे तो ये आता है आपका बालकनी जो मेजर करता है 17 feet by 5 feet। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2 chairs और एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे आप पूरी खुली हवा और सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। तो बेडरूम नंबर 3 से बालकनी से अंदर जाते हुए अगर आप बाहर निकलेंगे यहाँ पे तो ये आता है इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपका बेडरूम नंबर 1। तो बेडरूम नंबर 1 पे यहाँ पे भी आपका जो बेड है वो किंग साइज का है और ये बेडरूम मेजर करता है 12 feet by 13 feet। यहाँ पे आप देख सकेंगे एक बड़ा सा विंडो दिया गया है, एक बड़ी खिड़की दी गई है एंड यहाँ पे भी 2 side tables है बेड के आजू बाजू। तो इस बेडरूम से जब हम चल के आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे भी आता है वॉक इन क्लोजेट आपका जो मेजर करता है 6 feet by 13 feet। यहाँ पे भी वार्डरोब होंगे जो 2 feet डीप होगा, जिसका डेप्थ 2 feet होगा एंड यहाँ पे एक ड्रेसर टेबल दिया जाएगा जहाँ पे आप आराम से तैयार हो सकते हैं। इसको ये रूम को भी खिड़की दी गई है ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आती रहे ये रूम में। तो इस बेडरूम की खूबी ये है जब आप बाहर आएंगे वॉकिंग क्लोजेट से एंड इस तरफ चलेंगे बेडरूम के नीचे की तरफ, यहाँ पे आता है आपका बालकनी जो मेजर करता है 7 feet 7 inches by 11 feet 8 inches। ये बालकनी आप जो देख रहे हैं काफी बड़ा है एंड इसका जो व्यू है पूरा रोड की तरफ खुलता है एंड यहाँ इस तरफ भी नॉर्थ साइड में, तो आप पूरा बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर ऑप्शन 1 का। दोनों में हमने सेम लॉजिक मेंटेन किया है ताकि आपको कन्वीनियंट जगह मिल सके आपके हर एक रूम में जहाँ पर भी आप टाइम बिताने वाले हैं, जैसे कि किचन, लिविंग हॉल, बेडरूम, बाकी सब चीज़ें। एंड ऑल्सो इसको ध्यान रखे हुए किया गया है कि आपके जो विंडोज़ हैं काफ़ी बड़े बड़े हों एंड ऐसे क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करें ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आपके घर को हमेशा आते रहे। प्लस उसका जो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर का कनेक्शन है आप देख पा रहे हैं विंडोज से भी एंड फर्स्ट फ्लोर में बालकनी से भी आप देखेंगे उसको। तो ये था आपका ऑप्शन 1। चलिए चलते हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। जैसे हमने पहले भी कहा था ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में भी आपका वेस्ट आएगा नीचे की तरफ, ईस्ट आएगा ऊपर की तरफ,
साउथ आएगा राइट हैंड साइड पे यानी कि दाएं तरफ और नॉर्थ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि बाएं तरफ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर भी दो एंट्रेंसेस दिए गए हैं, एक है छोटा एंट्रेंस जहाँ पे आप चल के अंदर आ सकते हैं, एक है बड़ा एंट्रेंस आपकी गाड़ियों के लिए जहाँ पे आपकी एक कार एंड दो बाइक्स पार्क हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं छोटे एंट्रेंस से। जब आप यहाँ से चल के अंदर आएंगे एंड लेफ्ट साइड मुड़ेंगे यानी कि बाएं तरफ इन सीढ़ियों से चलकर, ये सीढ़ियाँ भी इसीलिए हैं क्योंकि आपका ये जो एंट्रेंस है वो ग्राउंड लेवल से 4 फीट ऊपर है। सो यहाँ से चल के आप जब इस जगह पे आ जाएंगे जो कि आउटडोर सीटिंग है जो मेजर करता है 11 feet 5 inches by 5 feet, ये आउटडोर सीटिंग जो है इसको अटैच होते ही पीछे का ये ग्रीन एरिया है तो ये दोनों जो है वो सेम लेवल पे है, तो आप आराम से चल के यहाँ पर भी जा सकते हैं। वापस आते हैं आपके एंट्रेंस के पास का आउटडोर सीटिंग की तरफ। तो यहाँ से जब आप अंदर चल के जाएंगे आपके घर के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो फर्नीचर यूनिट देख रहे हैं वो आप जैसे कि पहले भी कहा था आपका वो शूराक भी हो सकता है या सीटिंग भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ से जब आप सीधा आगे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि बाएं तरफ चल के जाएंगे तो आता है आपका लिविंग एरिया। अब ये लिविंग एरिया मेजर करता है 17 feet 9 inches by 15 feet 6 inches। इस लिविंग एरिया में 3+3+1+1 सीटिंग है यानी कि एक टाइम पे यहाँ पे 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे टीवी भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक बड़ा सेंट्रल टेबल है, यहाँ पे साइड में छोटे छोटे साइड टेबल्स हैं और उनसे भी छोटा यहाँ पे एक सीटर के बाजू में एक और साइड टेबल है। तो इस लिविंग एरिया से होकर जब आप राइट साइड की तरफ चलेंगे यानी कि दाएं तरफ एंड आगे बढ़ेंगे वापस राइट साइड मुड़ेंगे यहाँ पे आता है आपका डाइनिंग एरिया। अब इस डाइनिंग में भी 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया आपका मेजर करता है 16 feet by 9 feet। ये जो आप फर्नीचर यूनिट देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रेडेंजा, जो आप एज अ फीचर एलिमेंट यूज कर सकते हैं प्लस उसमें कुछ चीजें स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी क्रॉकरी या कोई शो एलिमेंट जहाँ पे स्टोरेज भी हो सके एंड वो एज अ शो एलिमेंट भी दिखाई दे आपको खाने के टाइम। उसके पीछे है एक विंडो जहाँ पे आपका नेचुरल लाइट और हवा मेंटेन हो सके। ये था आपका डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग एरिया को लग के ही यहाँ पे एक किचन आता है। ये किचन आपका मेजर करता है 16 feet by 9 feet। तो जैसे आप यहाँ पे खाना पकाएंगे यहाँ पे आके आप इमीडिएटली सर्व भी कर सकते हैं। इस किचन की खूबी ये है इसको पीछे भी लग के यहाँ पे यूटिलिटी एरिया है जहाँ पे आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं या बर्तन भी मांग सकते हैं। यहाँ पे आता है आपका वॉशर एंड ड्रायर, नीचे एक फर्नीचर आ सकता है जो कि आप स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे आता है आपका यूटिलिटी तो जिसके लिए हम वॉशिंग एरिया को भी बोलते हैं। ये था आपका यूटिलिटी जिससे बाहर आते ही यहाँ पे वापस सीढ़ियाँ आ जाती हैं, यानी कि ये जो आपका लेवल है आपके एंट्रेंस की तरह ये भी 4 फीट ग्राउंड लेवल के ऊपर है, यानी कि अगर आपके हाउस हेल्प को आना हुआ तो यहाँ से चल के बाहर से ही वो अंदर जा सकती है जहाँ पे आपके अंदर की प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका किचन यूटिलिटी और डाइनिंग का डिजाइन। तो जैसे हम किचन से बाहर आते हैं एंड लेफ्ट साइड चलते हैं यहाँ पे पहला आता है आपका पूजा रूम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं घर के पूरे सेंटर में। ये मेजर करता है 6 feet by 4 feet 4 inches। ये है आपका पूजा रूम। यहाँ से चल के हम आगे आएंगे एंड राइट साइड पे मिलेंगे तो ये आता है आपका पहला बेडरूम। अंदर आते ही यहाँ पे आप देख पाएंगे एक स्टडी यूनिट दिया है जो कि एक टेबल एंड चेयर है एंड अंदर आते ही यहाँ पे एक बड़ा सा वार्डरोब भी है जो कि 2 feet डीप है। ये है आपका बेड जो कि किंग साइज है, 2 साइड टेबल है आजू बाजू में एंड एक बेंच है यहाँ पे जहाँ पे आप आराम से बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक खिड़की दी गई है एंड यहाँ पे एक बड़ा सा खिड़की भी दिया गया है तो ये मेंटेन करता है आपके क्रॉस वेंटिलेशन को, यानी कि नेचुरल हवा और लाइट को ये रूम में मेंटेन करके रखता है। इसको अटैच होते ही आता है आपका टॉयलेट जो मेजर करता है 5 feet 5 inches by 9 feet। तो ये था इस बेडरूम के बारे में।
तो जैसे ही आप बेडरूम से निकल के बाहर आएंगे, वापस चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि जब किचन में यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं, यानी कि बाएं तरफ, यहाँ पे आता है स्टोर रूम, जो मेजर करता है 6 feet by 4 feet 6 inches। जैसे कि पहले भी बताया था, यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपने स्टोर कर सकते हैं जो आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं। ये था आपका अंदर का प्लानिंग। बात करते हैं आपके बाहर की प्लानिंग। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप ये छोटे गेट से अंदर आएंगे और ये सीढ़ियाँ चल के ऊपर जाएंगे, तो इसको अटैच होके ही यहाँ पे एक ग्रीन एरिया जो आपको दिख रहा है, एक लॉन है जो कि आउटडोर स्पेस है, यहाँ से भी आप नीचे सीढ़ियों से उतर के जा सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है आपका ओपन स्पेस जैसे डिजाइन किया गया है। पीछे क्योंकि एक बिल्डिंग आता है जो आपके प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ऐसे कमरे जैसे कि टॉयलेट, यूटिलिटी, वैसे वाले रूम्स पीछे दिए गए हैं, जहाँ पे आपका कोई एक्सेस बाहर से नहीं आता है, यानी कि आपके अंदर के प्राइवेसी को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। ये था आपका ग्राउंड फ्लोर। अभी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए यहाँ पे आते हैं आपके सीढ़ियाँ, यानी कि एंट्रेंस से चलते ही जब आप सीधा आगे जाएंगे एंड राइट साइड पे मुड़ेंगे, यानी कि दाएं तरफ यहाँ पे आते हैं आपकी सीढ़ियाँ, आप ऐसे ऊपर जाएंगे एंड इस तरफ मुड़ के आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे बात किया था, ये थी आपकी सीढ़ियाँ, यहाँ से आके आप इधर मुड़ के यहाँ पहुंच जाएंगे, ये है आपका फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे आते ही यहाँ पे आता है एक कॉमन पैसेज। तो इस पैसेज से जब आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यानी कि बाएं तरफ, यहाँ पे आता है आपका फैमिली रूम। ये फैमिली रूम मेजर करता है 9 feet by 10 feet 7 inches। इसमें 2+1+1 की सीटिंग दी गई है, यानी कि एक टाइम पे चार लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है दो साइड टेबल्स और यहाँ पे दो छोटे साइड टेबल्स 1 seater के आजू बाजू में। तो इस फैमिली रूम पे, जो कि एक सेंट्रल स्पेस जैसे बन जाता है जहाँ के आपके सारे कमरे खुल जाते हैं, फैमिली रूम से आगे बढ़ के जब हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आता है आपका बेडरूम। तो ये बेडरूम जो है, इसकी खूबी ये है कि इसको अटैच्ड एक बालकनी भी है। ये बेडरूम मेजर करता है 16 feet 7 inches by 12 feet 4 inches। ये एक किंग साइज बेड दिया गया है जिसके आजू बाजू में साइड टेबल्स हैं, एक बेंच है जहाँ पे आप बाहर का व्यू आराम से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाजू में, साइड टेबल के बाजू में, एक स्टडी यूनिट भी दिया गया है जहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो इस बेडरूम को अटैच होकर, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, एक बालकनी है जो मेजर करता है 7 feet 7 inches by 11 feet 6 inches। ये काफ़ी बड़ी बालकनी है जो आपको पूरी तरह से एंजॉय करवाता है बाहर का व्यू, और उसके साथ साथ आपको नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन का आनंद भी लेने देता है। तो ये है आपकी बालकनी। इस बालकनी से अंदर जाते हुए जब आप बेडरूम में लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ेंगे, उसको अटैच्ड होकर आता है एक टॉयलेट जो मेजर करता है 5 feet 5 inches by 9 feet। तो ये जो टॉयलेट है, उसके पीछे जो सफेद पार्ट देख रहे हैं, वो है उसका डक। इस टॉयलेट से बाहर आते हुए जब आप इस तरफ मुड़ेंगे, ये आता है आपका बेडरूम। वहां से निकल के हम वापस आ जाते हैं कॉमन एरिया में। तो इस कॉमन पैसेज से हम सीधा चल के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, तो यानी कि बाई तरफ यहाँ पे आता है आपका बेड, दूसरा बेडरूम। तो इस दूसरे बेडरूम को भी एक अटैच्ड बालकनी है और एक अटैच्ड टॉयलेट है। ये बेडरूम आपका मेजर करता है 12 feet by 14 feet 3 inches। इसमें भी किंग साइज बेड है जहाँ पे आजू बाजू में साइड टेबल्स हैं एंड एक बेंच है सामने जहाँ पे आप बाहर का भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये वार्डरोब है जो कि 2 feet की डेप्थ है उसकी, एंड यहाँ पे स्टडी एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये भी बालकनी है एक छोटा सा जो मेजर करता है 4 feet by 13 feet, जहाँ पे आप बाहर बैठ के बाहर के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये है एक बड़ा फ्रेंच विंडो जो कि उसको एक्सेस देता है, आप चल के बाहर जा सकते हैं। एंड ये एक छोटा विंडो। अब ये दोनों जो है मेंटेन करता है उस रूम का क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट, यानी कि हवा और किरण दोनों मेंटेन करते हैं, हवा और लाइट। इस बेडरूम से बाहर निकलते ही यहाँ पे आएंगे हम
सीधा चलते वापस जब लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे यानी कि बाईं तरफ, ये आता है आपका तीसरा बेडरूम। ये बेडरूम मेजर करता है 17 feet by 10 feet। इसमें भी जो बेड है वो किंग साइज है, दो साइड टेबल्स है, एक बेंच है जहाँ पे आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और उसको अटैच्ड एक बालकनी है जो मेजर करता है 15 feet 6 inches by 5 feet। दो टेबल एंड चेयर है, जैसे कि पहले भी कहा था आप बाहर का व्यू आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसको यूज करते हुए। तो ये है उसका बेडरूम। बेडरूम से बाहर निकलते ही जब आप आएंगे अपने फैमिली रूम में, आप वापस पहुंच जाते हैं कॉमन एरिया में। ये था आपका इंटीरियर का डिजाइन यानी कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर का डिजाइन। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन में खास ख्याल रखा गया है कि आपके पूरे घर को जितना हो सके उतना ज्यादा नेचुरल हवा एंड वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेशन और लाइट पूरी तरह से मेंटेन हो सके, तो उस बात का खास ध्यान रखा गया है। ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाते हुए हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि आप उसे अच्छे से देखें, समझें और अपना जवाब दें हमको कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया 2-3 दिनों में।